नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आप देख रहे हैं स्टडी विद हेमंत यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपके जो मासिक टेस्ट लिए जा रहे हैं अगस्त महीने में एमपी बोर्ड के द्वारा, तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको कक्षा 12वीं के गणित का आपके मासिक टेस्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन बताया जाएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों इसी प्रकार के सॉल्यूशन देखना चाहते हैं आप मासिक टेस्ट के, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो हम आपके लिए लगातार लाते रहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मासिक टेस्ट है, कक्षा 12वीं का विषय गणित है, माह अगस्त 2021 है और समय आपके पास रहेगा 40 मिनट और जो मार्क्स रहेंगे आपके 20 अंक रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया था, मान लीजिए कि समुच्चय हमें दिया गया 1, 2, 3, 4 में आर का मान दिया गया 1, 2, 2, 3, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, 3 और 3, 2 द्वारा परिभाषित संबंध आर है। निम्नलिखित में से सही उत्तर हमें बताने हैं। क्या दोस्तों आर सतुल तथा सम्मित है किंतु संपर्क नहीं, इसी प्रकार आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। तो दोस्तों सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं, टेन इनवर्स √3 माइनस सेकंड इनवर्स -√2 का मान बताना है। इसी प्रकार 3×3 कोटि कैसी आप होंगे, कुल कितनी संख्या होगी जिसकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो। दोस्तों इसका आंसर आपको 500 बार होगा। इसी प्रकार सही क्वेश्चन के दोस्तों आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। चलिए मैं आपको आंसर बताते चलता हूँ, ठीक है, और आपको क्वेश्चन आंसर के सॉल्यूशन मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों एमपी बोर्ड क्लास 12 मैथ आंसर की है आपका, जो आपका मासिक टेस्ट है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है आर सतुल्य तथा संक्रमक है किंतु दोस्तों क्या है, सममित नहीं है। दूसरे का आंसर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे -π/3। तीसरे का आंसर होगा 512, जैसा कि मैंने आपको बताया था आंसर, तो ये आपका 512 तीसरे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आता है, तो मान लीजिए कि जो आपका दो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसका पूरा आंसर यहाँ पर लिख दिया गया है, तो इसे अच्छी तरीके से दोस्तों नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वीडियो को रोककर भी आप आंसर लिख सकते हैं। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप सॉल्यूशन की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो दोस्तों लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से आप क्या है पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं दोस्तों मासिक टेस्ट सॉल्यूशन क्लास 12th मैथ, और लास्ट में आपको दोस्तों एस की टीच लिख देना है। ठीक है, तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे आपको एक क्वेश्चन का आंसर है। आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए समीकरण में अलग अलग पदों के मान ज्ञात कर इसे सरल कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सरल करना था इसे अच्छी तरीके से, सभी क्वेश्चनों के आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं, हमें एक सारणिक दिया गया है। यहाँ पर देखिए सारणिक में दिया गया है 1a² 1b² 1c² ठीक है, तो दोस्तों इसमें कुछ संख्याओं का प्रयोग करके हमें सिद्ध करना है। यहाँ पर देखते हैं आपको संख्या सबसे पहले लगानी r1 = r1 - r3, फिर लगाना r2 = r2 - r3, ये फर्स्ट संख्या लगानी है। इसी प्रकार आपको बहुत सारी संख्या लगाएंगे, तो आपको जो सिद्ध करना है दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, जो कि था a - c b - c b + c - c, इस तरीके से देख सकते हैं आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, जो कि a - b b - c c - c सिद्ध करना था। फिर आधा दिया है हमें sin² x + cos² y = 1, तो दोस्तों दोनों क्या है दोनों के सापेक्ष दोनों को अपकरण करेंगे, तो इस प्रकार से अपकरण कर देंगे, उसके बाद इसे सॉल्व आगे करेंगे, तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, तो यहाँ पर भी एक सारणिक दिया गया था, जो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको इसे अच्छे तरीके से नोट कर लेना है। ठीक है, ये आपका दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर देखिए f(x = 7x - 3) दिया गया, तो x के साथ अपकरण करेंगे तो f(x = 7 आएगा, और f यहाँ पर क्या f जो -x है क्या बड़ा है 0 से, तो r के प्रत्येक अंतराल में दिए गए फलन क्या दोस्तों वर्धमान है। इस तरीके से आपका सोल्यूशन यहाँ पर होता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं, धन्यवाद दोस्तों।